तो भाई अभी अपन छाल से देखे लेकर के आए थे कोयला, ये अनुप्रोड कैरियर कैपेबिलिटी है, 392 रुपये भाड़ा है, लगभग 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। ड्राइवर का सीट छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा है इधर, बैठ। दोस्तों ये है मेरे हाथ का बनाया हुआ रोटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? तो एक बार फिर से आपका साजिद भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे कॉर्नी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और अपन डीबी पावर में, कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया ही थे कि अपना गाड़ी जो है डीबी पावर के लिए लोड हुआ था कोयला। तो भाई मैं तो 4 बजे चलने के लिए सोचा था छाल से, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था, प्लस में बहुत सुबह में ठंड था। 4 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन फिर दोबारा वैसे हो गया, वहाँ से मैं 6 बजे चला। तो इधर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था टुंटरी तरफ, तो मैं रायगढ़ होकर आया हूँ और सुबह सुबह नो एंट्री वाले ने भी लफड़ा कर दिया थोड़ा, उसको भी 200 रुपये देना पड़ेगा सुबह सुबह। तो चलिए अब पहुँच गया हूँ, अपने हाथ में देखिए सील है और पेपर है, सील और पेपर जमा करना पड़ता है, उसके बाद अपना एंट्री होगा। ये एंट्री रूम है, पहले गार्ड को पेपर ये सब दिखाना पड़ता है, वहाँ से ओके करवा के लाऊँगा, फिर यहाँ पे होगा, उसके बाद त्रिपाल खोलेंगे, फिर गाड़ी को खाली करने के लिए चलेंगे भाई लोग। 10 का 10 सील होना ज़रूरी है एकदम। काटा में ना। चले दोस्तों यही है, दोस्तों यही कार्ड से यहाँ पे सब कुछ होता है, कांटा वगैरह सब कुछ। आते टाइम बस बाहर में आपको पर्ची मिलेगा, बढ़िया सिस्टम है ये, कुछ पेपर वेपर का लफड़ा उतना नहीं रहता इससे, बस कांटे पे गाड़ी को चढ़ाओ और बस यहाँ पे कार्ड दिखाओ। बाप रे माल बढ़ गया, 54,560 है, वहाँ 53,980 था। हो गया कांटा अपना। बस आगे में अब सैंपलिंग होगा। हो गया, चलिए अब चलते हैं अनलोडिंग पॉइंट पे। सैंपल करने का तरीका बढ़िया है यहाँ, हाथ से निकालना नहीं पड़ता है, मशीन ही है सीधा। ये रहा सामने में हॉपर,
दोस्तों क्या ही बढ़िया सिस्टम है यहाँ का, एक घंटा भी नहीं लगा आज गाड़ी खाली करने में। बहुत सही टाइम पे पहुँचा मैं और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं था, और सिस्टम बहुत ही अच्छा अंदर का हो गया पहले के मुकाबले। कहीं पे भी उतरने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर का लफड़ा नहीं है, बस कार्ड लेके जाओ, खाली करके बाहर आओ। तो भाई अभी अपन छाल से देखिए लेकर के आए थे कोयला, ये अनुप्रोड कैरियर कैपेबिलिटी है, 392 रुपये भाड़ा है, लगभग 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। तो अपने गाड़ी में कोयला देखिए 38 टन, 38 190, तो उस हिसाब से आप 392 के हिसाब से भाड़ा जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। और लगभग सब गाड़ी लोग 65 लीटर, कोई 70 लीटर, कोई 60 लीटर ऐसे डीजल लेता है। तो चलते हैं फ्लाई एश लोड करने के लिए। बस ये कोयला गेट है, इसके उस साइड फ्लाई एश का गेट है। दोस्तों सुबह से तो थोड़ा मेरे को लग रहा था कि आज किस्मत ख़राब है, क्योंकि सुबह से वही फाइन काट रहा था नो एंट्री वाला, लेकिन चलिए ठीक है, एक ही घंटा के अंदर अपना गाड़ी वहाँ भी खाली हो गया। और फ्लाई एश में देखिए अभी आए हैं, अपना गाड़ी एंट्री हो गया है, लोडिंग भी इधर चल रहा है, या तो इसमें ले लूँगा या इसमें ले लूँगा, दोनों में से कोई में, दोनों में दो दो गाड़ी है, इसी में जल्दी होगा। बस दिक्कत ये रहता है कि माल मत ख़त्म हो जाए, नहीं तो अगर माल ख़त्म हो गया तो फिर खड़े रहना पड़ जाएगा। सुबह का टाइम है, माल तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। भाई गाड़ी तो लोड हो गया लेकिन पूरा भूत बन गया एकदम, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था और सामने के तरफ ही आ रहा था केबिन की साइड ही, पूरा गाड़ी देखे मेरा गंदा हो गया। वो फवारा वाला चालू कर दिया था सामने में, जाके पूरा धोना पड़ेगा फिर से। गलत जगह पे आज गाड़ी मेरा लग गया था, पहले से नीचे में फ्लाई एश गिरा हुआ था इसलिए बढ़िया से लोड भी नहीं हो पाया आज गाड़ी, पीछे में थोड़ा सा और भरता। चलिए यहाँ तिरपाल बांधने के लिए भी आदमी है, टेंशन नहीं है वैसे। दोस्तों गाड़ी आउट हो गया अपना, चलिए पेपर भी मिल गया, अब चलते हैं। अभी टाइम है 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर टाइम है रायगढ़ का एंट्री पार करने के लिए, यहाँ से 1 घंटे जाने में लगता है। तो भाई अभी अपना देखिए वजन आया है इतना, 36260, मतलब अंडर लोड ही है मान के चलिए, 38 टन तो पासिंग ही है गाड़ी का, 38 टन कुछ। चलिए अब चलता हूँ रायगढ़, रायगढ़ पार करके खाना पीना खाएंगे अब। ये देखिए अपना ही कंपनी गाड़ी है, इसका कुंडी लग नहीं रहा है, गई ये ब्रेंड हो गया थोड़ा सा टेलीवेरी इसका। ठीक है ठीक, जाने दीजिए। हाँ ठीक है जाने दीजिए। तो बस दबा के रखिए बस, चलिए हो गया। हाँ मेरा तो नहीं ना बेंड हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं रायगढ़ पहुंच गया हूँ, जोरापाली में हूँ अभी, और भाई ये क्या रास्ते में देख लिया अचानक, बहुत ही खतरनाक तरीका से एक्सीडेंट हुआ है, दो ट्रेलर का, दो है कि एक है पता नहीं, एक ही है। बाप रे, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं बचा है गाड़ी में, ऐसे कैसे, क्या चीज में मारा है इतना भयानक। ड्राइवर का सीट छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा है इधर, बैठ। कि तिरछा होकर के ट्रॉली में ही लग गया, मेरे को लग रहा है कि तिरछा होकर के ट्रॉली में ही लग गया खुद के गाड़ी में। गाड़ी तो लेकिन खाली है, ट्रॉली में ही लगा है, खुद के ट्रॉली में। मेरे को लग रहा है अचानक से नींद में होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, जा रहा होगा इस साइड तो अचानक से काट दिया होगा पूरा। दोस्तों समय का 1 बज गया है और कोड़ा तराई पहुँच गए हैं, तो चलिए अब यहाँ पे आंटी एक अच्छा खाना वाना खिलाती है, पहले भी खाया हूँ यहाँ पे, अब तो होटल बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था। आंटी जी साहू हैं, साहू और दोस्त।
ये भाई अपना पुराना जान पहचान के हैं, और सब ठीक ठाक ना? ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा लड़का, एक बार बोल रहा था गाड़ी सीखने के लिए, लेकिन अभी मजबूरी में बेचारा काम कर रहे हैं। तो अपना खाना देखे भाई लोग, आया आज मछली, पनीर और सोया बड़ी का सब्जी, चटनी, दाल, बाप रे बहुत कुछ है आज। भूख भी तो लगा है, उसी हिसाब से सब खत्म हो जाएगा। ये आंटी बहुत हल्ला करती है, आराम से थोड़ा। यहाँ के भाई लोग खाना का कोई जवाब नहीं, सादा खाइए या मछली खाइए, बेहतरीन ही मिलता है। पनीर का सब्जी देखिए मिल रहा है, 60 या 80 रुपए होगा खाना, पनीर की सब्जी के साथ कहीं नहीं मिलेगा। मछली भी एकदम ताज़ा रहता है, ताज़ा एकदम। कितने पैसा हो गया? 50। अरे तो 4 पीस एक जाओ। मार्केट में 4 पीस एक जाओ। चलिए बताइए, 100 रुपए में मछली, चावल, पनीर का सब्जी, टमाटर चटनी, दाल, जो मर्जी वो भरपेट भाई नहीं मिलता है कहीं। ऐसा होटल हर जगह मिले ना तो ड्राइवर लोग को बहुत आराम रहे। गाड़ी देख रहे हैं कैसे हो गया, पूरा नीचे वाला बम्फर में फ्लाइस पूरा जम गया है। चलिए अब चल के नहाते धोते हैं, वॉश करते हैं गाड़ी को, उसके बाद खाली करने जाएंगे। खाना बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बढ़िया था खाना, एकदम मज़ा आ गया। तो दोस्तों अपना नहाना धोना हो गया है, और इधर अपने गाड़ी भी देखिए पूरा मस्त चकाचक धो दिए हैं, बहुत टाइम लगा लेकिन क्लीन हो गया है। बस केबिन को ही धोते हैं, डाला को तो उतना धोने नहीं पाएंगे रगड़ रगड़ के, इसलिए केबिन को रगड़ रगड़ के धो लेते हैं बस, क्योंकि इसी में चलना है, इसमें साफ़ सफाई रहेगा तो डाला तो गंदा होते रहता है। अंदर में ही पूरा बढ़िया साफ़ सफाई हो गया है अपना, तो चलते हैं अब खाली वाली करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं गाड़ी को। रात का 7 बज रहा है और हम लोग खाना पीना आज बना के खाएंगे। खाना पीना हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए रोटी मेरा बनाया हुआ, रोटी कभी नहीं बेल के ट्राई किया, आज पहले बार रोटी बेल रहे हैं। अब जैसा भी बने भाई, खुद को खाना है, कोई मेहमान को नहीं खिलाना है, फिर भी ठीक ही है। देखिएगा देखिएगा नहीं, दोस्तों रोटी देखिए अपने इधर बन गया है, और आज अपना अंडा कड़ी बनेगा। आज सब कुछ मैं ही बना रहा हूँ, ठंडी में गर्मा गर्म अंडा खाने मज़ा आएगा। अभी इसको भी सबको फ्राई करेंगे, तेल नहीं होता, हो जाएगा और डालेंगे ना अभी।
नहीं ठीक है, नमक डालिए, नमक डाली दीजिए एक ही बार, तुम डालिए, और डालिए थोड़ा सा, थोड़ा सा और डालिए ना, बस चलिए चलिए। चलाइए चलाइए, तो दोस्तों अपना अंडा कड़ी देखिए रेडी हो गया। चलिए अब निकालते हैं खाना खाने के लिए। बस 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 बस, बाद में ले लेंगे। और चलिए इसमें भी निकालिए। दोस्तों ये है मेरे हाथ का बनाया हुआ रोटी, लीजिए रजनी जी खाइए आज मेरे हाथ का रोटी। चलिए खाइए खाइए, पंखा चालू कर दे। दोस्तों ट्राई करते हैं अपना अंडा कड़ी। बोले थे ना राजन जी कि बनाएंगे इतना बढ़िया कि एकदम मजा आएगा। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। एक नंबर सुपर बनाया, बोले थे ना आज हमको न नमक कम है ओके न कोई मसाला कम है, आज एक नंबर है। है रोटी भी देखिए आज हम बना दिया। अंडा को देखिए पीछे से हल्का सा ना क्रैक कर देने से ये होता है बढ़िया, एकदम चारों तरफ से पक जाता है। चाकू मारे हैं, चाकू से काट दिए थे हल्का हल्का। दोस्तों रात का 10 बज गया है और अपना खाना पीना हो गया है। तो भाई मैं तो अभी जा रहा था आराम करने, लेकिन अभी भैया का कॉल आया है कि हाटी का अपना लोड है और बोल रहे हैं कि रात में ही जाना है और रात में गाड़ी को कैसे भी हाटी पहुंचाना है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। क्या है कि अभी अभी इलेक्शन हुआ है ना, तो क्या करते हैं कि रात में पुलिस वाले लोग सुबह सुबह आजकल ज़्यादा परेशान करने लगते हैं गिट्टी गाड़ी लोग को, तो इसलिए भैया बोल रहे हैं कि रात में ही गाड़ी को हाटी पहुँचा दो और वहीं पर भले सुबह ज़्यादा लेट तक सो जाओ। चलिए अभी तो मजबूरी हो गया समझिए, तो सीधा सीधा नहीं तो मेरे को तो एकदम इच्छा नहीं है जाने का आज। और एक बात और है कि मैं कल कोयला लोड करने के चक्कर में पूरा जग गया, उसकी वजह से थोड़ा सा आज दिन में सोया भी नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं और कल फिर से आप लोगों को मिलेंगे एक और नई ब्लॉग में। अभी रात में मेरे को 4-5 घंटा और गाड़ी चलाना पड़ेगा। अब पहले जानता तो अभी खाना वाना नहीं खाता, अब खाना वाना भी खा लिया हूँ। देखते हैं आराम आराम जाएंगे, कंपनी के 2-3 ड्राइवर लोग हैं आगे पीछे हो के सब जाएंगे जैसे तैसे, उसके बाद वहीं पर सोएंगे। तो चलता हूँ अभी के लिए, बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आप नए हो तो, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलता हूँ, बाय।